बौद्धिक व्यापार मंच में आपका स्वागत है और ये हैं ऋतु गोस्वामी जी और ये हमारे परिवार की बिटिया है और सबसे बड़ी बात जो है बड़ा उसका साहित्य इसके पास में भरपूर भरा है और इसके इसके जो इन्हीं के शब्दों में इसकी मौलिक रचना है जिसमें कि ये आज जो है आपको एक रचना सुना रही है और सबसे बड़ी बात इनकी और बता देता हूँ कि ये हमारे बौद्धिक व्यापार मंच में और एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हैं और इनका सकारात्मक सहयोग मिलेगा और धीरे धीरे रचनाएं ये मौलिक रचना आपको प्रस्तुत करेंगे। इसकी आज एक मौलिक रचना देखिए जिसका नाम है हरकतें इंसान की हैवान सी हो गई। बताइए साहब, बोलिए बोलिए। नमस्ते सभी को। मेरी रचना है जिसका टाइटल है हरकतें इंसान की हैवान सी हो गई है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आज के दौर में जो इंसानियत है वो बिल्कुल लोगों की दिल से चली गई है। मतलब इंसान इंसान नहीं रह गया, पूरा हैवान बन गया है जी। उसी के बिहाव पे मैं ये रचना बोलने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हरकतें इंसान की हैवान सी हो गई है, हरकतें इंसान की हैवान सी हो गई हैं। ए मालिक तू देख, ए मालिक तू देख, तेरी दुनिया शमशान सी हो गई है। ए मालिक तू देख, तेरी दुनिया शमशान सी हो गई है। इंसान इंसान को खा रहा है अपनी खुशी की खातिर, इंसान इंसान को खा रहा है अपनी खुशी की खातिर। इंसानियत तो जैसे गुमनाम सी हो गई है, इंसानियत तो जैसे गुमनाम सी हो गई। देखिए आप इतनी बढ़िया से इन्होंने दो शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात कर दी है कि हरकतें इंसान की हैवान सी हो गई है। हे मालिक, एक मतलब एक विचित्र सी बात है, एक बच्चा कह रहा है ऊपर वाले से, मालिक तू देख क्या रहा, इंसानियत कहाँ जा रही है इस कलयुग के अंदर, देख तेरी दुनिया शमशान सी हो गई, मुर्दा आदमी आदमी को खा रहा है, आदमी आदमी को खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, और आपके इसी इस रचना से हमने बौद्धिक व्यापार मंच में आपका स्वागत किया है और आपका इंट्रोडक्शन किया जहां हम लोगों को, आपका रचनात्मक सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।